भागलपुर जिला के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी विकास कुमार शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकास पर घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए मांग करने का आरोप है। गिरफ्तारी की जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने गुरुवार को दी। सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 2 अगस्त की देर रात विकास कुमार एवं अमित कुमार ने शिव शंकर मंडल के घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए की मांग की थी। इस संबंध में शिव शंकर मंडल ने मुजाहिदपुर थाना में लिखित आवेदन देकर नामजद अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी की निगरानी एवं सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। गुप्त सूचना पर तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 27 दिसंबर को हबीपुर थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान से विकास कुमार शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि यह एक शातिर एवं सक्रिय अपराधी है जो गिरफ्तारी के डर से अपना ठिकाना लगातार बदल रहा था। बता दें कि विकास के खिलाफ जिले के दर्जनों थाने में आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज है। सिटी एसपी ने आगे बताया कि गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। उसमें जो एक कुख्यात अपराधी है विकास कुमार शाह, इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये अभी जो रिसेंट इसका एक कांड हुआ था 260-23, ये बबरगंज थाना में हुआ था। इसने शिव शंकर मंडल के घर में घुस के उनसे 20 लाख की रंगदारी मांगी थी, तो इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके ऊपर टोटल 11 मामले थे और बहुत दिनों से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। और इसकी गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, उसमें डीएसपी सिटीज का नेतृत्व कर रहे थे और इस टीम में भी डीआईयू और बबरगंज थाना अध्यक्ष और सभी लोगों ने अच्छा काम किया है। इसको बहुत दिनों से ट्रैक कर रहे थे और इसकी पहचान सीसीटीवी इत्यादि और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर पुलिस ने एक युवक को 168 ग्राम प्रतिबंधित ब्राउन शुगर के साथ बुधवार की दोपहर गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि तस्कर पश्चिम बंगाल से प्रतिबंधित मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लेकर भागलपुर आने वाला है। प्राप्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। गठित एसआईटी की टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मुजाहिदपुर थाने के सहयोग से सघन जांच अभियान चलाया और जांच के क्रम में अलीगंज गंगटी निवासी अशोक प्रसाद शाह के पुत्र राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पल्सर मोटरसाइकिल से वह आ रहा था, जब जांच के लिए उसे रोका गया तो उसके पास से 150 ग्राम भूरा रंग का एवं 18 ग्राम काले रंग का कुल 168 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। बता दें कि काले रंग के ब्राउन शुगर में अफीम की मात्रा ज़्यादा होती है, जो शहर में युवाओं के बीच अपना पैर पसार चुका है और कई जिंदगी तबाह भी कर रहा है। सूत्रों की माने तो भागलपुर शहर में ब्राउन शुगर का व्यापार फल फूल रहा है और ये बाजार अब करोड़ों का हो चुका है, जिस पर पुलिस को नकेल कसने की जरूरत है। वहीं गिरफ्तार युवक पर मुजाहिदपुर थाना में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल समेत 168 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। साथ ही बताया कि ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार राजा पर अलग अलग थाने में लगभग एक दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पूछताछ के बाद राजा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा कुमार पिता अशोक शाह, इनको अलीगंज गंगटी थाना बबरगंज के रहने वाले हैं, इनको सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर लेके आ रहे हैं, तो इसमें एक टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के द्वारा जाँच की गई, बाइक से आ रहे थे, इनको गाड़ी रोकी गई, उसके द्वारा पुलिस द्वारा जांच किया गया तो इनके पास 168 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ। इसका लगभग कीमत 2 लाख के करीब है और इनके पास एक पल्सर बाइक था, उसको भी सीज किया गया है, एक मोबाइल सीज हुआ है। और जो राजा कुमार, इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है बबरगंज थाना में और मुजाहिदपुर थाना में, ये पहले भी जेल जा चुका। इधर भागलपुर में बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मायागंज अस्पताल परिसर में बीते 5 अक्टूबर की देर रात बाइक चोरी का मामला सामने आया था।
मामले में पीड़ित अपनी फरियाद लेकर गुरुवार को पुलिस कप्तान आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचा, पर एसएसपी अपने कार्यालय से निकल चुके थे। उसने निराशा जाहिर करते हुए बताया कि 5 अक्टूबर को वह अपनी पत्नी का इलाज कराने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया था, जहां पर रात के करीब 10 बजे उसकी बाइक चोरी हो गई। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी बाइक बरामद नहीं हुई। पुलिस से लिखित शिकायत किया गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी बाइक का कुछ भी पता नहीं चल सका। पीड़ित ने सिटी एसपी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इधर मामले को लेकर सिटी एसपी अमित रंजन ने बाइक मालिक निरंजन को कहा कि थाने में दिए गए आवेदन के साथ कॉपी को संलग्न कर जमा कर दें, जल्द ही बाइक बरामद कर ली जाएगी। सिटी एसपी ने बताया कि वादी के द्वारा थाने में लिखित आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण बाइक चोरी मामले में केस दर्ज नहीं हुआ है। वहीं मीडिया कर्मियों ने जब पीड़ित निरंजन से आवेदन नहीं देने के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि थाने के भीतर किसी पिंटू नामक युवक द्वारा बार बार उसे झांसा में रखा जा रहा था, जिस कारण FIR नहीं हो पाया। ऐसा बताया जा रहा है कि पिंटू एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है और थाने में उसके ऊपर कई मामलों में दलाली करने का आरोप भी जग जाहिर है। जबकि CTSP ने कहा कि वह थानेदार से पिंटू नामक युवक के बारे में पूछताछ करेंगे और तकनीकी अनुसंधान के जरिए पिंटू पर नजर रखी जाएगी। अगर किसी प्रकार से वह दोषी पाया गया तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि थाने के भीतर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को काम करने की अनुमति नहीं है। निरंजन कुमार नामक एक व्यक्ति है जो आज उनसे मिले थे, उन्होंने बोला कि उनका जो बाइक था वो अक्टूबर माह में चोरी हुआ था और वो आज मेरे पास मिलने आया है। दिसंबर लमसम खत्म होने वाला है, तो मैंने उनसे वही बोला कि आपको इसकी जानकारी पहले दे देनी चाहिए थी, तो हम लोग कार्रवाई करते। और अभी भी जो उन्होंने आवेदन में तथ्य लिखे दिए हैं, कोई पिंटू नामक शख्स है जो बरारी थाना में, जिसने उनको बोला कि FIR बाद में कर देंगे और 2-3 दिन तक इनको टहलाया, लेकिन उसके बाद भी हमसे इनकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई थी। आज ये ऑफिस में आए तो हम उसके जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, पिंटू या कोई भी है जिसके चलते इनकी FIR नहीं हुई है, उसकी हम जांच करेंगे और जो भी ये तथ्य दे रहे हैं कि उस दिन उनसे बात हुई थी, तो उसका CDR वगैरह अवलोकन करके हम लोग पता लगाते हैं कि पिंटू नामक शख्स वहाँ थाने पर था या नहीं था, और गहन जांच के बाद हम लोग अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। भागलपुर नगर निगम में नगर निकाय चुनाव होने से एक वर्ष बीत गए, लेकिन स्थायी समिति की बैठक को लेकर अब तक मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। हमेशा की तरह किसी न किसी बात को लेकर विवादों में रहने वाले भागलपुर नगर निगम में विवादों और मतभेदों का दौर कम होता नहीं दिख रहा। वहीं गुरुवार को महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां मेयर ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के समक्ष नगर आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि उनके कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन बोर्ड की बैठक को लेकर विवाद चलता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक बोर्ड की 12 बैठक होनी चाहिए थी, जबकि अब तक 5 बैठक ही हो सकी है। डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि उन्होंने बैठक की वीडियोग्राफी कराने की बात कही थी, लेकिन किसी भी बैठक की कोई वीडियोग्राफी नहीं कराई गई और वीडियोग्राफी नहीं होने के कारण अहम मुद्दों को भटका दिया जाता है। साथ ही महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जनप्रतिनिधि बनने से एक वर्ष बीत चुका है, पर अब तक स्थायी समिति की बैठक सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण शहर की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाई है, जिससे शहर में साफ सफाई समेत कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। इसके अलावा नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर को सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मेयर ने कहा कि जब कभी वो लोग मुद्दा उठाते हैं तो नगर आयुक्त उसे अनसुना कर कोई कदम नहीं उठाते। प्रतिनिधिमंडल में कई वार्ड के पार्षद शामिल थे। हमारा आज 1 साल होने जा रहा है पदभार ग्रहण किए हुए, आज हमारी ये 5वीं बैठक थी सामान्य बोर्ड की, और ऐसे तो 12 बैठक होनी चाहिए थी अब तक में, और ये 5वीं बैठक थी। ये भी बैठक बहुत बार बोलने के बाद आहूत की गई, और इस बैठक में हमने पहले भी नगर आयुक्त को लेटर दिया था कि बैठक की वीडियोग्राफी कराई जाए, क्योंकि वीडियोग्राफी नहीं कराने के कारण जो हमारा प्रोसीडिंग है, जो उसमें हम लोगों ने निर्णय लेते हैं, हम लोग निर्णय जो ले रहे हैं तो उसको बदल दिया जाता है, फेर बदल कर दिया जाता है। इसी के लिए हम लोगों ने बोला था कि वीडियोग्राफी कराई जाए, और इसके तहत मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिली तो उन्होंने भी कहा कि मैंने वीडियोग्राफी कराए, तभी आपको लगेगा कि जो प्रस्ताव स्वीकृत है या अस्वीकृत है या किसने क्या बोला, कौन से पार्षद का क्या मंतव्य है, वो सारा बात उसमें है। तो आज जब मीटिंग की शुरुआत हुई
तो नगर प्रशासन के द्वारा वीडियोग्राफी की व्यवस्था नहीं कराई गई थी, तो इसी के तहत हमने अपने तरफ से वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई। नगर आयुक्त साहब मीटिंग के लिए आए, लेकिन उन्होंने बोला कि जब वीडियोग्राफी होगी, और ये वीडियोग्राफी अधिकृत नहीं है, मतलब नगर प्रशासन के द्वारा नहीं है, ये वीडियोग्राफी नहीं होगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 139वां स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार 28 दिसंबर को भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में स्थापना दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद ने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराकर किया। इस दौरान डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास है, और पार्टी के नेताओं ने अपनी कुर्बानी देकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के बाद देश में नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान में देश की सत्ता पर आसीन सांप्रदायिक ताकत हावी होती जा रही है, और देश की एकता, अखंडता एवं लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी फिर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधे पर आ गई है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश की रक्षा तानाशाही प्रवृत्ति से करने का संकल्प भी लिया। मौके पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि विपिन बिहारी यादव, सोइन अंसारी, डॉक्टर जनार्दन प्रसाद शाह, अभिषेक चौबे, सुनंदा रक्षित, उषा रानी सहित कांग्रेस के दर्जनों पुरुष एवं महिला कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज से 140 साल पहले जो है, इस देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता के बाद देश के नवनिर्माण में हमारे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव जी, इन तमाम लोगों का ऐसा योगदान है जिनकी बदौलत आज हम यह दुनिया में हिंदुस्तान को एक बड़ी ताकत के रूप में होने का दावा करते हैं। भागलपुर के सराय स्थित NSUI कैंप कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस केक काट कर मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता मोहम्मद तकी अहमद जावेद की मौजूदगी में NSUI के छात्र नेता शाकिब नजर, तौसीफ लतीफ, पूर्व नगर अध्यक्ष खुशरो रजा समेत कई NSUI कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस की सभी को बधाई देते हुए संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करने की बात कही। वहीं स्थापना दिवस पर कई युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। मौके पर गुलाम नबी उर्फ राजू खान, मोहम्मद परवेज आलम, शेखू सलीम के अलावा काफी संख्या में छात्र नेता मौजूद रहे।
महिला राजद संगठन की मजबूती को लेकर महिला राजद की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव एवं रिंकू राज के साथ बांका जिला का दौरा किया। इस दौरान रिंकू जायसवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह भागलपुर महिला राजद ने 1000 भाजपा महिला समर्थकों को राजद परिवार में शामिल किया, उसी तरह बांका जिले में भी महिला संगठन को धरातल पर काम करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने महिला राजद बांका संगठन प्रभारी श्रीमती रिंकू राज को क्षेत्र में निरंतर समय देने को कहा। मौके पर महिला जिलाध्यक्ष विनीता देवी, जिला प्रधान महासचिव मिट्ठन यादव, युवा जिलाध्यक्ष विशाल यादव, राकेश सिंह एवं भागलपुर जिला मीडिया प्रभारी मंजीव ठाकुर समेत राजद के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।